अरे उधर मत, मोबाइल से है वो। आने वाला साल बहुत सारा काम, बहुत सारे शोज, OTT मूवीज, बहुत बहुत सारी चीजें। ऑलवेज होपिंग फॉर द बेस्ट। सब अच्छी अच्छी खबरें। आई मीन फ्रीडम फ्रॉम कोरोना फॉर द होल वर्ल्ड। बस बहुत हो गया, मास्क पहनने बहुत हो गया। ये निकाल रहे हैं वीडियो तो बस नो मास्क एंड होप एवरीबडी इज हैप्पी हेल्दी एंड वी ऑल शुड बी गुड। एंड बस हर साल ऐसे मिले, इंजॉय करें एंड जस्ट बी विद लव्ड वंस। शट अप। संदीप के बर्थडे पे हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे लव्ड वंस के बर्थडे ऐसे ही हम लोग हमेशा सेलिब्रेट करते रहें, सब लोग हमारे आसपास के हमारे क्लोज वंस हेल्दी रहें, खुश रहें, हमारा संदीप खुश रहे। थैंक यू। और आप बहुत अच्छे अच्छे शोज बनाते हो, मैं अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रही थी, वापस बोल रही हूँ। अभी विश करो कि अभी यू शुड विश कि चलो चलो संदीप इतने अच्छे शोज बनाते हो, अभी फिल्में बनाओ। यस, दैट्स व्हाट इट शुड बी। फिल्में ही फिल्में बनाएंगे संदीप से कर। यस, एंड आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर इट। थैंक यू। डेस्परेटली। थैंक यू। तो क्या आप उसमें भी नजर आने वाली हैं? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। सैंडी को तो अभी मैं बहुत सालों से जानता हूँ एंड ही लुक्स यंगर विद एवरी ईयर। ना वो सिर्फ यंग होते जाते हैं एंड ही गेट्स मोर सक्सेसफुल ऑल्सो। सो एज अ फ्रेंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड ही नेवर चेंजेस। तो जो उसके करीबी दोस्त हैं वो आज भी सेम है। इतने सालों में, यस, टच वुड, इतने सालों के बाद भी जब कोई भी बर्थडे पार्टी होगी तो जो सेम फ्रेंड्स होंगे वही होंगे। दिव्यंका ने हम सबका दिल जीता है। अगर दिव्यंका इज द विनर ऑफ खतरों के खिलाड़ी, शी इज वन एवरीबॉडीज हार्ट्स। व्हेन देयर आर पीपल जो मेरे पास आए हैं, मैंने एक्चुअली एक भी एपिसोड नहीं देखा है, शी नोज अबाउट इट, बट एवरीबॉडी जो लोग टीवी नहीं देखते उन्होंने आके मुझे बोला है कि दिव्यंका इज सो गुड, दिव्यंका इज सो गुड। तो अगर आई डोंट नो, अगर दिव्यंका आज नहीं जीती तो ये खतरों के खिलाड़ी की हार है, क्योंकि दिव्यंका इज द विनर। एंड too bad if by chance Divyanka does not win, then I'm saying on record it's the loss of Khatron ke Khiladi, because I think she's done a fantastic job. Maine jo bhi Instagram pe chote chote clips dekhe hain, I mean I've told her myself that you're so amazing, you're so cute, you're so nice, and she's done such a brilliant job. So for me and for a lot of people like me, Divyanka is the winner. Thank you Sandeep, I love you. Ada has come. Divyanka ji, I love you. संदीप इज ऑलवेज फुल ऑफ लव फॉर मी एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल कि मुझे इतना अच्छा दोस्त मिला है मुंबई की इस भीड़ में। थैंक यू, थैंक यू। अरे खतरों के खिलाड़ी तो अदा भी थी। सैंडी वैसे आज वो वाला स्टंट भी आएगा जब मैंने आपको वहां से केप टाउन से फोन किया था, कार वाला एक स्टंट था और मैं बहुत टेंशन में थी, मैं कार कैसे चलाऊंगी, विवेक को तो मेरी कार पे ट्रस्ट ही नहीं। बाय द वे मैंने उस दिन सारी गाड़ियां उड़ा दी थी। वेरी गुड। तो ये स्टंट बहुत अच्छा हुआ था, आज वो देखने को मिलेगा। ओके सर, रोहित सर के साथ आपकी बॉन्डिंग किस तरह से ऑन एयर दिख रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? रोहित सर के साथ किस तरह की एक्सपीरियंस रही है? आई एम वेरी लकी दैट मुझे रोहित सर के साथ कुछ थोड़ा सा ब्रीफली काम करने को मिला, उनका प्यार मिला, उनकी रिस्पेक्ट मिली। मैं बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ अपने आप को कि मैं अपना ये रूप उन्हें और पूरी दुनिया को दिखा पाई। एंड जीतू नहीं जीतू कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऑनेस्टली, क्योंकि मैं बड़ी खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो किया है, जो मेरे अंदर की पर्सनालिटी वो लोगों को देखने को मिली है। एंड लोग सामने से कह रहे हैं कि आप हमारे लिए जीत गए हो, इससे बड़ी जीत क्या चाहिए? खतरों के खिलाड़ी की जर्नी एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी और ये सभी के लिए। इट वॉज मोर लाइक अ सोल्जर्स लाइफ। मैं बिल्कुल सोल्जर मोड में ही चली गई थी, जैसे मेरे NCC डेज में होती थी। मैंने
मैंने ये सोच के रखा था जैसे मैं कैंप के दिनों में रफ एंड टफ लाइफ जी रही थी वैसे रहना है. आई वॉज वेरी डिसिप्लिंड, वेरी फोकस्ड, और खाना हो या मेरा वर्कआउट हो, पार्टी भी कर रहे होते थे लोग, बट आई वॉज ऑलवेज डूइंग माई थिंग कि हाँ मुझे ये अपना काम ज़रूर कम्प्लीट करना है, देन आई विल गो एंड एन्जॉय विद पीपल. वहाँ पे भी जाके जो कंडीशंस होती थी वाइल डूइंग द शो, स्टंट्स बहुत मुश्किल सिचुएशंस में होते थे और सबका ही स्टंट मुश्किल होता था. ऐसा यू कैन नेवर बी रेडी फॉर एनी स्टंट क्योंकि इट्स ऑलवेज अ सरप्राइज. एंड आप लाख सोचो कि मुझे स्विमिंग आती है, लेकिन जब आप वहाँ पे एक्चुअली उन कंडीशंस में पानी में उतरोगे इट विल बी डिफिकल्ट. एंड अदा इज हियर, कम कम कम. मैदा को देख के गई थी बाय द वे. हाँ, मैंने उससे पहले तक कभी खतरों के खिलाड़ी नहीं देखा था, बट मैंने पुराने कुछ एपिसोड्स निकाले. आई वॉच्ड योर्स, यू वर वेरी गुड. आई सॉ, मैंने इनका एपिसोड्स देखा. आई एम टेलिंग यू, मतलब सो ब्रेव एंड आई वाज रियली प्राउड ऑफ यू. सच में लाइक रियली प्राउड. और ऑफ कोर्स यार हम, आई थिंक यू ऑल्सो मस्ट बी गोइंग थ्रू, वो जो एक फियर होता है, एक स्ट्रेस होता है बिफोर गोइंग फॉर एनी स्टंट. आई एम श्योर वी ऑल, एंड ये तो ड्यूरिंग यू वेंट ड्यूरिंग अ पेंडेमिक, तो उनके लिए तो और ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा. वो एक अपने आप में खतरा था हमारे लिए. मैं तो नहीं आ रही हूँ, आप आ रहे हो? नहीं, हम तो नहीं आ रहे. कितना फॉलो करने वाली है इस बार आप दोनों? मेरी एक फ्रेंड जा रही है शायद, तो मैं जरूर फॉलो करूंगी. मेरा एक संदीप सिकंद नाम का दोस्त है जिसका आज बर्थडे है, वो जरूर फॉलो करेंगे और हमको सब कुछ बताएंगे कि कौन क्या कर रहा है. सो अभी तक का बेस्ट स्टंट कौन सा रहा है खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में आपका, दिव्यंका? बेस्ट स्टंट? या ओके, डिफिकल्ट वर्सेस हीरोइक. डिफ़िकल्ट वाले में शॉक वाले जो होते थे वो सारे बहुत डिफ़िकल्ट थे, एंड उसके लिए एक्चुअली अपने अंदर से एक नई ब्रेवरी पैदा करनी पड़ती थी कि नहीं हो जाएगा. हाथ कई बार, अच्छा बड़ा वियर्ड होता था क्योंकि आपका शॉक लग रहा है, आपका ब्रेन मैसेज रिसीव कर रहा है कि इस चीज़ को टच करेंगे तो चोट लगेगी, तो हाथ आगे बढ़ता ही नहीं है. आप चाहो कि हाथ बढ़े, बढ़े, छू लो भाई छू लो, पर हाथ जाता ही नहीं है. तो अपने ब्रेन को वहाँ पे रीट्यून अप करना पड़ता है और बहुत हिम्मत देनी पड़ती है अपने आप को. सो डिफ़िकल्ट वाले शॉक स्टंट्स थे, कुछ स्ट्रेंथ वाले भी थे, जैसे एक नेट पे चढ़ना था, आर्म स्ट्रेंथ एक्सटेंसिव चाहिए थी उसमें. लेकिन मज़ेदार वाले बताऊंगी. एक था जिसमें बस से मैनिक्विन उतारना था, बाद में मैं जल्दी पहुंच जाती हूँ, फिर मैं एक डायनामाइट को ऐसे प्रेस करती हूँ एंड बस उड़ती है, आग जलती है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, दैट वॉज फैबुलस. अनदर वन जो आज रात को ही आने वाला है, जिसमें मैं कुछ 4-5 कार्स को उड़ाते हुए रोहित शेट्टी टाइप स्टंट करती हूँ. दैट वॉज बॉलीवुड. ओके, सो सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड कौन बने हैं वहाँ? सबसे ज़्यादा प्यारी, रिलायबल दोस्त असल में श्वेता है. श्वेता बहुत ही प्यारी इंसान है और आई लव मीटिंग हर, बीइंग विथ हर. वहीं महक भी, शी इज़ अ वंडरफुल फ्रेंड, हमेशा औरतों का साथ देने वाली. आई लव्ड हर. एंड वरुण, ही सच अ स्वीट हार्ट. एंड लास्टली ऑडियंस को क्या बोलना है? थैंक यू, थैंक यू.